आज हमारे पास एक नहीं तीन तीन स्मार्टफोन है, एक है सैमसंग का गैलेक्सी M20 तो दूसरा है Redmi का Note 7, जी हाँ Redmi Note 7, और तीसरा है Redmi का Note 6 Pro। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं चार्जिंग टेस्ट, जी हाँ चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं, और आपको बताएंगे कि कौन से फोन को चार्ज करने में कितना समय लगता है, कौन सा फोन पहले चार्ज होता है, और साथ ही आपको टेम्परेचर टेस्ट करके भी दिखा देंगे कौन सा फोन चार्जिंग के टाइम में कितना हीट हो रहा है, कौन सा फोन हीट नहीं हो रहा है। हर चीज़ आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी, किसी प्रकार की कोई जानकारी आपसे छुपाई बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो अगर आपको इन तीनों फोन के चार्जिंग से रिलेटेड वीडियो देखना था तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दिल थाम के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और बिना लाइक और शेयर किए मत जाइएगा। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं टेक्नो अड्डा। सैमसंग गैलेक्सी M20 में 5000 mAh की बैटरी दी गई है और इस फोन में सी टाइप पोर्ट के साथ आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। वहीं पर रेडमी नोट 7 में 4000 mAh की बैटरी दी गई है और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट यहां पे आपको मिल जाता है। और रेडमी नोट 6 प्रो में आपको सी टाइप पोर्ट नहीं दिया गया, माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है, लेकिन हाँ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें भी आपको मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ पे फास्ट चार्जिंग टेस्ट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कर रहे हैं नॉर्मल टेस्ट, जो भी नॉर्मल चार्जर तीनों ही फोन के बॉक्स के साथ आया उसी चार्जर से आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। चार्जर रेटिंग की बात करें कितना कितना रेटिंग का चार्जर है, तो अगर सैमसंग गैलेक्सी की बात करें तो यहाँ पे आपको कहते हैं कि हमने फास्ट चार्जर दिया है। मेरे नज़र से देखेंगे तो सच में दिया है, क्योंकि सैमसंग ने आज तक कभी इतना वाट वाला चार्जर 15 वाट का चार्जर नहीं दिया, हमेशा 5 वाट का चार्जर देते थे, तो पहली बार कुछ जो है किया है। Redmi Note 7 और Note 6 Pro के बॉक्स के साथ में आपको 10 वाट का चार्जर दिया जाता है, लेकिन अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए Qualcomm 3.0 वाला तो आपको अलग से खरीदना पड़ता है, जिसकी चार्ज 500 रुपया है। तो हमारे पास वो भी है, तो यहाँ बॉक्स में जो भी चार्जर साथ में है उस चार्जर से हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर वाला चार्जर है हमारे पास और इसी से चार्ज टेस्ट करेंगे, तो देखते हैं कितना समय लगता है फुल चार्ज होने में। तो यहाँ पे हम चार्ज स्टार्ट करेंगे, पावर बटन हमने दे दिया है और चार्जिंग जो देख सकते हैं स्क्रीन पे दिख गया है नोट 6 प्रो, इधर नोट 7 और यहाँ गैलेक्सी M20, तीनों फोन में यहाँ चार्जिंग ब्लिंक होना शुरू हो गया है। और अभी का टेम्परेचर तो हम नहीं दिखा रहे, कुछ परसेंट चार्ज होने देते हैं उसके बाद आपको टेम्परेचर भी दिखा देंगे। तो फिलहाल समय हो रहा है 12:36 और 1 घंटा 6 मिनट का जो चार्ज सेशन अभी चला है। तो जो फोन चार्ज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना परसेंट फोन चार्ज हुआ है। ये है Redmi Note 7 जो कि 66% चार्ज हो चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 66% यह फोन चार्ज हो चुका है। अगर Samsung Galaxy M20 की बात करें तो ये चार्ज हुआ है 55%, यानी कि Samsung Galaxy M20 अभी स्लो चार्ज हो रहा है, बहुत ही स्लो चार्ज हो रहा है। और अगर मैं Redmi Note 6 Pro की बात करूँ तो ये 69% चार्ज हो चुका है। तो जो Redmi के फोन से वो ज़्यादा फास्ट चार्ज हो रहे हैं कंपेयर टू Galaxy M20। तो अगर टेम्परेचर अभी देख लें कितना टेम्परेचर हो रहा है, तो शुरुआत करते हैं Redmi Note 7 से। तो Redmi Note 7 अभी फ्रंट में 31.2 दिखा रहा है, और अगर बैक देखें, बैक में टॉप पे 33°C जो दिखा रहा है। और अगर गैलेक्सी M20 फ्रंट में देखते हैं तो इसका 31.5 जो कि सेम ही है, और अगर बैक में टॉप पे देखते हैं तो 32.7, टेम्परेचर दोनों का सेम ही लग रहा। और अगर Redmi Note 6 Pro की देखें तो फ्रंट में 32.3 जो कि इन दोनों फोन के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा हीट लग रहा है, और अगर हम बैक साइड देखते हैं तो वो 34.3 दिखा रहा है, यानी कि Note 6 Pro ज़्यादा हीट हो रहा है इन दोनों फ़ोन के कंपेयर में, लेकिन चार्जिंग जो है वो फास्ट है Redmi के फ़ोन में, और Galaxy M20 यहाँ पे स्लो चार्ज हो रहा है। अभी समय हो रहा है 12:58, यानी कि 1 बज चुका है। जो चार्जिंग टाइम है वो 1 घंटा 28 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा जो है वो चल चुका है। और आपको दिखाते हैं फ़ोन कितना परसेंट चार्ज हुआ है। स्टार्ट करते हैं Redmi Note 7 से। तो Redmi Note 7 फिलहाल 84% चार्ज हो चुका है, और अगर Galaxy M20 की बात करें तो ये फिलहाल 72% चार्ज हुआ है, यानी कि अभी भी यह पीछे है Redmi Note 7 से। और अगर Note 6 Pro की बात करें तो ये चार्ज हो चुका है 88%, यानी कि सबसे आगे अभी Note 6 Pro है, उसके बाद Note 7 और उसके बाद Galaxy M20, यानी कि Galaxy M20 अभी भी सबसे पीछे चल रहा है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो फ्रंट में Redmi Note 7 31°C है, Galaxy M20 32°C है, और अगर Redmi Note 6 Pro की बात करें तो ये भी 32.2 है। तो अभी फिलहाल Galaxy M20 और Redmi Note 6 Pro का फ्रंट टेम्परेचर सेम है, लेकिन बैक टेम्परेचर की अगर बात करें तो Redmi Note 7 31.7°C दिखा रहा है, और अगर Galaxy M20 की बात करें तो ये 32.0 दिखा रहा है। और अगर Redmi Note 6 Pro की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है
33.2। तो Redmi Note 6 Pro यहाँ थोड़ा ज़्यादा हीट हो रहा है स्टार्टिंग से ही, अगर आप दोनों फ़ोन को कंपेयर करते हैं तो। अभी समय हो रहा है 1:11, और जो टोटल टाइम हुआ है चार्जिंग का वो आप देख सकते हैं, 1:41 के आसपास चार्जिंग टेस्ट अभी चला है। और अगर देख लेते हैं कि कौन सा फ़ोन कितना चार्ज आता है, तो Redmi Note 7 अभी 92% चार्ज हो चुका है, तो लगभग फ़ोन चार्ज होने वाला ही है। और अगर Galaxy M20 की बात करें तो ये चार्ज हुआ है 81%। और अगर तीसरा फ़ोन Redmi Note 6 Pro की बात करें तो ये सबसे आगे है स्टार्टिंग से ही, तो यहाँ देख सकते हैं ये 95% चार्ज हो चुका है। तो अगर टेम्परेचर देखते हैं कि अभी टेम्परेचर कितना हो रहा है लास्ट टाइम में, तो Redmi Note 7 फ्रंट से 32°C हीट हुआ है, और अगर Galaxy M20 को देखते हैं तो वो 31.9 है, और अगर Note 6 Pro की बात करें तो वो भी 30.4 जो है दिखा रहा है। तो टेम्परेचर कुछ खास नहीं है। और अगर बैक साइड के टेम्परेचर देखते हैं तो वो Note 7 में 30.7 यानी कि 31 कह सकते हैं, और Galaxy M20 32.1 जो है अभी दिखा रहा है। और Note 6 Pro की अगर बात करें तो ये स्टार्टिंग से ही टेम्परेचर हाई रहा है इसका, तो 31 जो है अभी दिखा रहा है। तो तीनों फ़ोन का टेम्परेचर कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे सबसे आगे Note 6 Pro है चार्जिंग में, और Galaxy M20 फिलहाल सबसे अब पीछे है, और Note 7 भी 93% चार्ज हो चुका है। अभी समय हो रहा है 1:29, और 2 घंटे के आसपास का चार्जिंग टेस्ट चल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप वॉच में 2 घंटे का समय हो चुका है चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट किए हुए, और यहाँ पे अभी फ़ोन अगर चार्जिंग स्पीड को देखें तो फ़ोन लगभग फुल चार्ज होने ही वाला है। Note 7 Pro फिलहाल 99% चार्ज हो चुका है, आप देख सकते हैं 99% यह फ़ोन चार्ज हो चुका है। Galaxy M20 95% चार्ज हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चार्जिंग में इंक्रीजमेंट हुई है जिस तरह से यह चल रहा था पीछे। और अगर Note 6 Pro की बात करें तो ये तो शुरू से ही आगे था, तो 99% बस कुछ सेकंड में यह फुल चार्ज हो जाएगा। तो Note 7 और Note 6 Pro 99% चार्ज हो चुका है, तो टाइम पूरा हो चुका है 2:01, देखते हैं कितना जल्दी यह 100% हो जाता है। और ये देखिए Note 6 Pro 100% हो चुका है, Note 6 Pro 100% चार्ज हो चुका है। तो 2:01 पे Note 6 Pro जो है फुल चार्ज हो चुका है 100%। तो इसे अब लिस्ट से बाहर निकाल देते हैं। अब जो है Note 7 की बारी है, और उसके बाद Galaxy M20 का देखते हैं कितना जल्दी चार्ज होता है। अगर टेम्परेचर को देखते हैं कि लास्ट में कितना टेम्परेचर रहा है Note 6 Pro, तो 29.3 दिखा रहा है फ्रंट में, और बैक साइड में 29.3, यानी कि लास्ट चार्ज जब आया है तो टेम्परेचर डाउन हुआ है, जितना स्टार्टिंग में यह टेम्परेचर हाई हो गया था वो धीरे धीरे कम हो गया। और Galaxy M20 का टेम्परेचर अगर देखते हैं तो फ्रंट में 32.1 दिखा रहा है, और बैक में भी वही दिखा रहा है 32.8, यानी कि 32 जो है अभी चल रहा है। और Note 7 की बात करें तो इसका फ्रंट 39.0 है, यानी कि 39°C, और बैक में भी 39 ही है। तो लास्ट में टेम्परेचर सभी फ़ोन का जो है वो कम हो जाता है एज यूजुअल। तो जल्द ही Note 7 भी फुल चार्ज हो जाएगा, 99 पे अटक चुका है, और ये भी जल्द हो जाएगा, और ये 95 है, और Note 6 Pro पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। फाइनली Note 7 भी फुल चार्ज हो चुका है, 2:03 पे यह फुल चार्ज हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 100% चार्ज हो चुका है यह फ़ोन, तो चार्जिंग टेस्ट में यह भी अब आगे निकल चुका है और पूरी तरह से कंप्लीट हो गया इसका चार्जिंग। तो इसे भी हम साइड रखेंगे, और टेम्परेचर फिर से आपको दिखा देते हैं कितना टेम्परेचर, लास्ट में टेम्परेचर पूरी तरह से कम हो गया है जिस तरह से स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर था। तो हर फ़ोन का यही होता है, जब स्टार्टिंग चार्ज करते हैं तो उस समय टेम्परेचर हाई होता है, और बीच में जा करके हाई होता है, और लास्ट में पूरी तरह से टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, 29 डिग्री दिखा रहा है। तो Note 7 और Note 6 Pro दोनों ही चार्ज कंप्लीट कर चुका है, 4000mAh की बैटरी दोनों ही फ़ोन में है। अब देखते हैं Galaxy M20 को कितना समय लगता है, 96% यह भी फ़ोन चार्ज हो चुका है। लास्ट टाइम में इसकी भी चार्जिंग स्पीड थोड़ी फास्ट हुई है कंपेयर टू मिडिल और स्टार्टिंग में। Galaxy M20 भी 100% चार्ज हो चुका है, 1:44 से पहले ही यह चार्ज हो गया था, अभी 1:44 हो रहा है, तो 2:15 यहाँ दिख रहा है, तो 2:14 या 13 में आप कह सकते हैं कि यह फुल चार्ज हो चुका था। अगर टेम्परेचर की बात करें तो फ्रंट से यह फ़ोन फिलहाल 31.7 बता रहा है, यानी कि 32 डिग्री कह सकते हैं, और बैक से अगर बात करें तो 30 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा बहुत डाउन हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है चार्जिंग में। तो ये था हमारा चार्जिंग टेस्ट और हीटिंग टेस्ट वाला वीडियो। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि कौन से फ़ोन को चार्ज होने में कितना समय लगता है, और कौन सा फ़ोन चार्जिंग टाइप में कितना हीट हो रहा है। तो ओवरऑल मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि चार्जिंग टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी M20 लग रहा था कि हाँ स्लो है, लेकिन अगर आप देखते हैं तो उसमें 5000mAh की बैटरी दी गई, और बाकी में आपको 4000mAh की बैटरी दी गई। और अगर चार्जर की बात करें तो रेडमी के दोनों फ़ोन में 10W का चार्जर था, तो वहाँ
पे 15 वाट का चार्जर था। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि लेट है चार्जिंग में, स्लो है कोई भी फोन, तीनों फोन का चार्जिंग स्पीड सिमिलर ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप चार्जिंग के नज़रिए से देखेंगे तो तीनों ही फोन में मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ मुझे सेम ही लग रहा है। थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस, वो डिफरेंस मायने नहीं रखता है, क्योंकि 2 घंटा 1 मिनट 2 घंटा 3 मिनट पे रेडमी के फोन दोनों फुल चार्ज हो गए और 2 घंटा 15 मिनट में गैलेक्सी M20 भी फुल चार्ज हो गया था। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी फास्ट और स्लो वाली चीज नहीं देख पा रहा हूँ। उम्मीद है आपको भी समझ आ गया होगा कि कौन सा फोन की चार्जिंग स्पीड कैसी है, और हीटिंग टेम्परेचर तो हमने आपको बता ही दिया। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको और वीडियो देखना है इस फोन से रिलेटेड, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। और अगर पहली बार देख रहे थे, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।